नमस्कार, मैं श्रेयसी वर्ग 8वीं की छात्रा रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल के द्वारा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज के अपने कुछ मिनटों के कविता के माध्यम से मैं आप सभी के सामने मनुष्य जीवन की एक कड़वी सच्चाई प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है पर ना ठहराव है ना गहराई है। अपने बैंक अकाउंट में कई शून्य तो हमने जोड़ लिए, लेकिन अपने शून्य होने का एहसास घटा नहीं पाए। ट्विटर पे ब्लू टिक ले लिया, लेकिन अपने लाइफ से रेड फ्लैग्स हटा नहीं पाए। पेंट हाउस बना लिया, लेकिन वक्त इतना कहाँ कि बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना पाए। कलाई पर 4 लाख की घड़ी पहन ली, और वक्त तो इतना भी नहीं कि अपनों के साथ 4 पल गुजार पाए। आगे की 2 पंक्तियों पर जरा गौर फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बाइडन और बिल गेट्स को तो आप पहचानते होंगे, लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी को नाम से जानते हैं, तो जवाब में अधिकतर आएगा ना। कि आप जो बाइडन और बिल गेट्स को तो पहचानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते। और सोच तो इतनी बदल गई है कि दादा पत्थर को भगवान मानते थे और हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह गूगल को दे दी, जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी तो आज हमारे पास जानकारी अधिक है पर समझदारी कम है। रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली और हम प्रॉपर्टीज के पेपर संभाल के खुश हैं। दादी की स्टोरीज हमारे इंतजार में सो गई और हम इंस्टा पे स्टोरीज डाल के खुश हैं। हम आज तो मून और मार्स तक तो जा पहुंचे हैं, लेकिन क्या हम अपने सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा पाते हैं? कि अब हम मून और मार्स तक तो जा पहुंचे, लेकिन अपने सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा नहीं पाए। एक वो भी समय था जब माँ की दुआएं साथ चलती थी घर निकलते वक्त। कि एक वो भी समय था कि जब माँ की दुआएं साथ चलती थी घर से निकलते वक्त, और अब ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ चलती हैं। हमारे पास आज लाखों का मैट्रेस तो है, पर गहरी नींद में सोए महीनों हो गए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। रिश्ते सारे लॉस में डूबे जा रहे हैं। एक एक करके पूरा आसमां खो गया, और फिर भी यह धोखा कि हम चांद कमा रहे हैं। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें जितना शोर है उतना ही सन्नाटा, जितनी भीड़ है उतनी ही तन्हाई है। एक वजूद 1000 टुकड़ों में बट गया, दिल कहीं दिमाग कहीं और होश कहीं और है। अंक की 2 पंक्तियों पर जरा गौर फरमाइएगा कि जब हमारे पास कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ था। और आज सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। धन्यवाद।